नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला एक रेनॉल्ट डस्टर के ऊपर। आप देख रहे हो सच कार टेक्नोलॉजी। आज का वीडियो हम लोग बना रहे हैं एक रेनॉल्ट डस्टर के ऊपर, जो कि है डीजल इंजन इनलाइन फोर सिलेंडर। इस कार का हम लोग करने वाले इंजन ऑयल सर्विसिंग। इस कार में इंजन ऑयल सर्विसिंग करने के लिए कौन से फ्लूड चेंज करने पड़ते हैं और कौन से फिल्टर चेंज करने पड़ते हैं, इसकी क्या प्रोसीजर होती है, ये पूरी जानकारी आप लोग हम लोग इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक कार है रेनॉल्ट की डस्टर, देख सकते हैं आप, डीजल DCI रेनॉल्ट की डस्टर कार है, इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन। इस कार का करने वाले हम लोग आज इंजन ऑयल सर्विसिंग। इस तरह दिखता है इस कार का इंजन, देख सकते हैं काफ़ी डस्ट भी इसमें जमा है। तो इसका हम लोग करने वाला इंजन ऑयल सर्विसिंग, फुल सर्विस कर रही है। ओके, साथ में हम लोग इसका फैन बेल्ट भी चेंज कर रहे हैं, फैन बेल्ट और फैन बेल्ट टेंशनर वो भी बेकार हो चुका है। इसका है रेनॉल्ट की डस्टर, देख सकते आप रेनॉल्ट की डस्टर। इंजन खोलने के लिए इसका इंजन प्रोटेक्टर कवर खोलना पड़ता है, देख सकते इसका इंजन प्रोटेक्टर कवर खोल चुके हैं अभी। ये बोलते हैं इसका इंजन ऑयल, यहाँ से इसका एलिंग की वोल्टेज है, यहाँ से बोलते हैं इसका इंजन ऑयल। ओके, अभी इंजन ऑयल इसका कर रहे हैं, इंजन ऑयल डन हो चुका है, देखो तो इंजन ऑयल ब्रेक का खोलते हैं ऑयल फिल्टर अभी, पूरा इंजन ऑयल डन होने तक हम लोग इसका वेट करेंगे। ओके, खोलते हैं इसका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर खोलने के लिए इसका ऑयल फिल्टर का लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ से इस पाइप को हटाना पड़ेगा। तो ये रेनॉल्ट का एयर फिल्टर ओरिजिनल, देख सकते हैं जूनियन रेनॉल्ट, तो हम लोग अभी रिप्लेस करने वाले हैं उस कार में। ये इसका ऑयल फिल्टर प्योरेटर कंपनी का, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, जेन्युइन पार्ट्स है ये। ये इसका फ्यूल फिल्टर रेनॉल्ट जेन्युइन पार्ट्स, साथ में कुछ ये ओरिंग स्क्रू आते हैं इसके साथ में, जैसे रिप्लेस इसका भी। कार का इंजीनियर यहाँ पर चेंज और
इस जगह से खोलते हैं हम लोग इसका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर की लोकेशन यहाँ पे है, देखो ये स्पेशल टूल की हेल्प से हम लोग इसका ऑयल फिल्टर रिमूव कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं इसका स्पेशल टूल्स, ये इसका स्पेशल टूल्स ऑयल फिल्टर खोलने का, इस तरह इसका स्पेशल टूल से हम लोग ऑयल फिल्टर लोड कर चुके हैं। अभी खोलते हैं ऑयल फिल्टर बाहर, लोकेशन पर इसका ऑयल फिल्टर का, इस एरिया को अच्छे से क्लीन करके नया ऑयल फिल्टर हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर करेंगे। ओके, अभी इसका इंजन ऑयल ड्रेन हो चुका है, पूरा इंजन ऑयल ड्रेन हो चुका है। अभी लगा दिया इसका इंजन सम का नट, वहाँ पे इंजन ड्रेन हो चुका है। कपड़ा लगाया ना साफ किया ना। यहाँ से खोलते इसका एयर फिल्टर, देख सकते दो प्लेट इजीली रिमूव करने पड़ते हैं। ये इसका ऑयल फिल्टर की लोकेशन, इसमें डस्ट काफ़ी जमा हो चुकी है, तो देख लीजिए अच्छे से इसका एयर फिल्टर। ये इसका एयर फिल्टर काफ़ी डस्ट जमा हो चुकी है एयर फिल्टर पर, तो इस देख एयर फिल्टर को हम लोग जो डालते हैं, तो इस फिल्टर को करते हैं हम लोग इसमें इंस्टॉल। न्यू फिल्टर जीनियन डस्टर, फेनॉल डस्टर का, इस लोकेशन में इसको इंस्टॉल करते हैं, इजीली लग जाता है। ओके, इसको कर दिया हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल एयर फिल्टर को। ओके, इसका ऑजेस वगैरह हम लोग क्लीन करेंगे अभी और लगाते हैं यहाँ पे इसका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर लगाने के लिए इसका सरफेस को अच्छे से क्लीन करते हैं यहाँ से। ओके, इसका सरफेस अच्छे से क्लीन कर किया है हम लोग ने कपड़े से, साफ कपड़े से। देखो यहाँ से इसको अच्छे से क्लीन कर चुके हैं। ओके, लगा दिया अभी ऑयल फिल्टर इसका इस लोकेशन पे। ऑयल फिल्टर का भी करते हैं लुब्रिकेशन, ये ओवरिंग है उसकी, ओवरिंग को ज़रा लुब्रिकेशन कर दे। ओके, लुब्रिकेशन करके अभी लगाते हैं ऑयल फिल्टर को इस लोकेशन पे। टाइट कर चुके हैं हम लोग ऑयल फिल्टर को, करते कपड़े से इसको क्लीन दे रहा हूँ।
कर चुके हैं हम लोग ऑयल फिल्टर इसका, बाकी बोतल में कर दिया अभी तेल की बोतल पुराना वाला करते हैं हम लोग अभी करते हैं इसका फ्यूल फिल्टर इंस्टॉल इस केस में, केस की बॉडी फ्यूल फिल्टर की फटाफट इसके पांच बोल्ट लगाते हैं, इसको कंप्लीट करके कार में इसको फिटिंग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसकी एयर भी प्लेट करेंगे हम। इसका हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। लोकेशन है यहाँ पे इसका राइट साइड, राइट हैंड साइड में ये फेंडर लाइन के अंदर यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन है। इसको लगाते हैं यहाँ पे, इसका जो पाइप भी है वो भी लगाते हैं। ओके, बाद में निकालते हैं इसका एयर पंप करके। ये इसका लोकेशन है, चलते हैं फिटिंग इसको। ओके, यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं हम लोग, ये फेंडर लाइन खोलनी पड़ती है उसके लिए। लगाते हैं अभी कैलिबर, सबसे टाइट कैलिबर को।
जितने भी बचे हैं तीनों व्हील आदि, उसको भी हम लोग इसी तरह सर्विस करते हैं। बाजू के फिटिंग को टायर भी लगाते हैं। ओके, देखते हैं एक मास से अच्छे से क्लीन कर चुके हैं। इसको क्लीन वाटर भी हम लोग इसका ड्रेन कर रहे हैं। ओके, नया तो अपना इसमें हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। करते हैं रियर व्हील ब्रेक क्लीनिंग। इसको देख सकते हैं, इसकी डस्ट वगैरह पूरे अच्छे से साफ करके इसको रेगमा से क्लीन करते हैं। इसी तरह हम लोग राइट साइड का भी करते हैं। चारों व्हील का कर चुके हैं अभी हम लोग ब्रेक क्लीनिंग। देखो एक तो इस जगह से हम लोग इसमें खोल चुके हैं एसी फिल्टर। ये देख सकते हैं इसका लोकेशन है एसी फिल्टर का। तीन यहाँ पे तीन स्क्रू खोल चुके एसी फिल्टर, और एसी फिल्टर हो चुका है छोक पूरा। एसी फिल्टर हम लोग न्यू डालेंगे। तो अभी फिट करते हैं इसका एसी फिल्टर हम लोग। देख सकते हैं यहाँ से न्यू एसी फिल्टर इसका यूनियन रेनॉल्ट। देखो रेनॉल्ट की वॉइजिंग। ओके, मेड इन कोरिया। तो इसको करते यहाँ से फिटिंग। इसका एयर फ्लो मार्किंग है यहाँ से, देख सकते हो एयर फ्लो मार्किंग। कल से इस कार में कूलेंट वाटर को भी पेट्रोल का कूलेंट वाटर। कार में हम लोग 3 लीटर कूलेंट वाटर यूज़ करने वाले हैं। 3 लीटर कूलेंट वाटर काटे इसको, और बाकी का डिस्टिल वाटर इसमें ऐड करते हैं 1 पार्ट बाय 1। ये 3 लीटर कूलेंट वाटर, ग्रीन कूलेंट, पेट्रोल, डिफरेंशियल। ओके, देख सकते आप ग्रीन कूलेंट हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं अभी एस्ट्रॉल का। इस करके इसको इंस्टॉलेशन Thank you.
इंजन ऑयल फिलिंग, ये कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल, GTX अल्ट्रा किंग 5W30 ये कार में बैठेगा। टोटल 5 लीटर, तो एक दो कैन है, हम लोग इसमें डाल रहे हैं 5 लीटर। 5 लीटर के समथिंग बैठता है इसमें इंजन ऑयल कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक 5W30। फिलिंग करते हैं यहाँ से, एक कैन हो चुका है वाला कैन। ऑयल लेवल को इसका डिस्टिक और डालना पड़ेगा। इंजन ऑयल लेवल परफेक्ट हो चुके हैं, देख सकते हो। इसका इंजन ऑयल हम लोग पूरा डाल चुके हैं, अभी इसमें लेवल हो चुका है इसका। तो इसका कर रहे हैं हम लोग फैन बेल्ट चेंज, फैन बेल्ट टेंशनर, न्यू टेंशनर डाल रहे हैं इसमें फैन ब्रेक के साथ। इसको कर रहे रिप्लेस, ये इसका वी बिल्ट टेंशनर देख सकते हैं, वेट्स कंपनी का, और वेट्स कंपनी का फैन ब्रेक डाल रहे हैं इसमें वी बिल्ट देख सकते हैं, न्यूली गेट्स कंपनी माइक्रो वी 6 PK 1200। ओके, करते हैं इसको इंस्टॉल और कार स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। तो लगाते हैं इसको, यहाँ से करते हैं लीक पंप से पंप। इसका डीजल पंप ने डीज़ल फिल्टर हम लोग चेंज किया था, तो डीजल फिल्टर भरने के लिए हम लोग यहाँ से पंप करते हैं हार्ड आने तक। ओके, ये हार्ड आ चुका है अभी। ओके, हार्ड हो चुका है लीक पंप। कार करते हैं स्टार्ट, कार हो चुकी है कंप्लीट, देख सकते हैं कार को हम लोग यहाँ से करते हैं थोड़ा सा हार्ड करते हैं पंप से।
इसका न्यू टेंशनर और न्यू वी बेल्ट और टेंशनर ओरिजिनल हम लोग इसमें फिटिंग कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये वी बेल्ट टेंशनर और ये वी बेल्ट दोनों को फिटिंग कर चुके हैं हम लोग। अभी कार को करते हैं स्टार्ट और इसका लीकेज वगैरह चेक करते हैं। जाप उतारो और स्टार्ट करो। करते कार को स्टार्ट, अभी स्टार्ट करो कार, कार को करते स्टार्ट यहाँ से। कार हो चुकी है स्टार्ट, अभी देख सकते हो कार स्टार्ट है, अभी देख सकते हो उसका साउंड सुन सकते हो, अभी इसका लीकेज वगैरह देख सकते हैं हम लोग। कार को अच्छे से रंग होने देते हैं, कुछ 15 मिनट देख के कार अभी स्टार्ट है। इसका लीकेज चेक करते हैं, लीकेज कौन से कोई लीकेज हो रहा है, उसके बाद में इसको उसका जो इंजन प्रोटेक्टर कवर है नीचे में इंजन प्रोटेक्टर लगा के और कार को होते वॉश वॉश करके इसका लेते हैं। छोटा सा ट्रेट है, ओके कंप्लीट हो चुकी है सर्विसिंग। ये इस कार का इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर में किसी प्रकार की कोई MIM लैंप और शो नहीं करती है, ओनली इसका लेवल फ्यूल लेवल लो की एक साइन एक इंडिकेशन आ चुका है। कार तो इस प्रकार इस कार का एक किलोमीटर तो ट्रेडिंग कर रहा है, देखो 247,221 किलोमीटर ये कार रन हो चुकी है, ओके। कार को अभी लगा चुके हैं हम लोग वाटर सर्विसिंग, ले करते हैं वाटर सर्विसिंग अच्छे से करते हैं क्लीन इस कार को। कार क्लीन होने के बाद आपको दिखाते हैं और लेते हैं इसका छोटा सा कार को करते क्लीन वॉश करने के बाद इसका एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेते हैं देख सकते हैं। अभी कार को हम लोग वॉश कर चुके हैं, अभी लेते हैं इसकी छोटी सी ट्रिप है। और अच्छे से क्लीन कर चुके हैं, देख सकते हैं हम लोग अभी आ चुके हैं मुंबई गोवा हाईवे पे, तो इस कार का ले रहे हैं हम लोग छोटा सा टेस्ट ड्राइव, ओके इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं। हम लोग आ चुके हैं अभी मुंबई गोवा हाईवे पे, टेस्ट ड्राइव में कार एकदम ओके चलती है, किसी भी प्रकार की MIM लैंप नहीं, सिर्फ डीजल लो की एक सिग्नल लग चुका है यहाँ पे, ओके। कार हो चुकी है परफेक्ट। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, अरे हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।